नमस्कार, समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का किया ऐलान, 30 सितंबर तक बदलवा सकते हैं नोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। नए संसद भवन में 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। सिद्धारमैया बने कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री। डीके शिवकुमार ने ली डिप्टी सीएम के रूप में शपथ। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 25 मई से 3 जून तक खेलों का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब लोग 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक की शाखा से दूसरे नोट से बदल सकते हैं। हालांकि 2000 रुपए के नोट की वैधता फिलहाल बनी रहेगी। मंगलवार 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक प्रतिदिन 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट के बदले अन्य नोट लिए जा सकेंगे। यह सुविधा रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का किया उद्घाटन। कहा, भारत में संग्रहालयों की दुनिया के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया और 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में संग्रहालयों की दुनिया के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। देश के विकास में संग्रहालयों के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपनी विरासत से प्रेरणा मिलेगी और लोग संग्रहालयों के जरिए भविष्य के लिए अपने कर्तव्य को भी समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। नए संसद भवन में 1280 सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 300 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र केवल लोकसभा चैम्बर में होगा। इस स्थिति में 1280 सांसद यहां बैठ सकेंगे। सिद्धारमैया बने कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री। डीके शिवकुमार ने ली डिप्टी सीएम के रूप में शपथ। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह दूसरी बार है जब उन पर कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उन्हें दूसरी बार राज्य की कमान संभालने का मौका दिया है। तो वही डी के शिव कुमार उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए। अर्जुन राम मेघवाल बने नए कानून मंत्री। किरण रिजिजू संभालेंगे पृथ्वी विज्ञान का कार्यभार। मोदी कैबिनेट में गुरुवार को एक बड़े फेरबदल का ऐलान किया गया। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार का विधि और न्याय मंत्री का कार्यभार दिया गया।
वे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के स्थान पर विधि मंत्री के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार किरेन रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाह पर विभागों में परिवर्तन किया है, तो वहीं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 25 मई से 3 जून तक खेलों का होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में पहली बार होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन को लेकर योगी सरकार ने जोरदार तैयारियां कर ली हैं। इसका आयोजन भी उसी तरह भव्य होगा जैसे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था। 25 मई से यूपी के 4 शहरों में होने जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की सभी तैयारियाँ अंतिम दौर में हैं। पूरा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के रंग में नजर आएगा। चारों शहरों में 25 स्क्रीन के माध्यम से खेल का प्रसारण कराया जाएगा। इन गेम्स के सफल आयोजन की मदद से सरकार का लक्ष्य और बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी हासिल करने का है। चोरी हुए स्मार्टफोन की खोज होगी आसान। केंद्र सरकार ने संचार साथी पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इससे खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल मोबाइल को ब्लॉक करने में मदद करेगा, साथ ही आपके नाम पर कितने कनेक्शन लिए गए हैं ये जान सकेंगे। CIR प्रणाली मोबाइल फोन की चोरी पर लगाम लगाएगी। इसके लिए आपको https://sancharsathi.government.in/ पर जाकर शिकायत दर्ज करनी होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक अच्छी पहल, PCS साक्षात्कार के बाद असफल अभ्यर्थियों को भी मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से PCS इंटरव्यू में असफल अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग ऐसे अभ्यर्थियों का डेटाबेस तैयार करने जा रहा है। इसके लिए आयोग ने PCS 2022 में असफल रहे इच्छुक अभ्यर्थियों से आवश्यक सूचनाएं मांगी हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी nspcs22@gmail.com पर निर्धारित प्रारूप में 30 जुलाई तक सूचनाएं भेज सकते हैं। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांग। भारतीय नौसेना ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना ने फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोनमुगाओ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण से भारतीय नौसेना की समुद्र में मारक क्षमता और ताकतवर हो गई है। नवीनतम गाइडेड मिसाइल INS मोनमुगाओ ने अपने पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फायरिंग के दौरान लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यह परीक्षण आत्मनिर्भरता और समुद्र में भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को प्रदर्शित करता है। स्विट्जरलैंड में 1700 साल पुराने मिले रोमन प्रहरी दुर्ग के खंडहर। स्विट्जरलैंड में पुरातत्वविदों ने रोमन साम्राज्य के किनारे की रक्षा के लिए बनाए गए 4वीं शताब्दी ईस्वी प्रहरी दुर्ग के अवशेषों का पता लगाया। उत्तरी स्विट्जरलैंड में राइन नदी द्वारा 4वीं शताब्दी ईस्वी के एक रोमन प्रहरी दुर्ग के अवशेषों की खोज की गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि गुम्बद का एक वर्गाकार आधार था जिसकी माप 23 फीट × 23 फीट और 3 फीट मोटी दीवारें थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के पास धूमकेतु में जमे हुए पानी को देखा। वैज्ञानिक इसे करना चाहते हैं इकट्ठा।
नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने सितारों की खोज करने के लिए शुरुआती ब्रह्मांड में गहराई तक जाने के लिए जाना जाता है। नासा ने हाल ही में घोषणा की कि पहली बार टेलीस्कोप ने आंतरिक सौर मंडल में पानी से भरपूर धूमकेतु देखा है। शोध दल ने नेचर जर्नल में 15 मई को प्रकाशित एक अध्ययन में कहा कि यह खोज लंबे समय से अटके रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती है, जिससे यह पता चल सकता है कि पृथ्वी को अपना पानी कैसे मिलेगा। अब खबरें खेल जगत से। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहुंचे 7वें स्थान पर। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय नवीनतम बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 2 स्थान के फायदे से पुरुष सिंगल्स में करियर के सर्वश्रेष्ठ 7वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला एकल विश्व रैंकिंग में 1 स्थान के फायदे से 11वें पायदान पर हैं। पुरुषों के एकल वर्ग में अन्य भारतीयों में लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत क्रमशः 22वें और 23वें स्थान पर हैं। इटालियन ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में हारकर टूर्नामेंट से हुए बाहर। डेनमार्क के स्टार टेनिस खिलाड़ी होल्गर रुने ने इटालियन ओपन टेनिस स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर उन्हें इस स्पर्धा से बाहर कर दिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त रुने ने जोकोविच को 6-2, 4-6, 6-2, 3 सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। आइए जानते हैं क्या रही अंतर्राष्ट्रीय जगत की सुर्खियां। भारत ने चक्रवात मोखा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए शुरू किया ऑपरेशन करुणा। भारत ने चक्रवात मोखा से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन करुणा के तहत भारतीय नौसेना के 4 जहाज राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचे। उन्होंने बताया कि इन जहाजों में आपातकालीन खाद्य सामग्री, टेंट, आवश्यक दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और स्वच्छता की वस्तुएं हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने महिला संबंधित मुद्दों के लिए भारतीय मूल के गीता राव गुप्ता को अपना दूत नियुक्त किया। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक गीता राव गुप्ता को अमेरिकी विदेश विभाग ने महिला संबंधी मुद्दों के लिए अपना दूत नियुक्त किया है। अमेरिकी संसद ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि सुश्री गीता राव गुप्ता अमेरिकी विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए महिला और बालिका अधिकारों को बढ़ावा देंगी। सुश्री गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि दुनिया भर में महिलाओं को कई तरह की असमानताओं और अमर्यादित व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में उनका समुचित योगदान नहीं हो पाता। न्यूज विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी एक कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।